खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से समूचे देश में शुरू रक्तदान अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर समरिटन सोशल सर्विस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 20 लोगों द्वारा रक्तदान से 20 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ है। समरिटन के संचालन ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान समरिटन सोशल सर्विस सोसाइटी, समरिटन कम्युनिटी कॉलेज के स्टाफ एवं छात्र छात्राओं, समरिटन का विशेष योगदान रहा एवं समरिटन के समस्त स्टाफ ने रक्तदान करने में सहयोग प्रदान किया। मदर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है अजो, अजो जोश। आज ये आपके यहाँ रक्तदान से संबंधित रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, तो किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में जो रक्तदान महोत्सव या अमृत महोत्सव हो रहे, इसके तहत हमारे घर में रक्तदान किया जा रहा है और समरिटन सोशल सर्विस सोसाइटी के साथ हमारा सतना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो ब्लड बैंक है उनके लोगों से मिलते हुए हम लोगों के जागरूकता और ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं ताकि और लोग रक्तदान करें। और रक्तदान करने से बहुत लोग डरते हैं, हम जानते हैं, पर रक्त देने से रक्त बढ़ते हैं और किसी को एक जीवन मिल जाते हैं रक्त के। फादर का कहना है कि रक्तदान करने से लोग अगर ये सोचते हैं कि कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता, रक्तदान करने से और रक्त बढ़ता है। कितने लोगों ने आज रक्तदान किया है? अभी 20 लोगों ने दिया है और लोग आते तक हम लोग भी देते रहे, एक बजे तक रक्तदान का एक कार्यक्रम चल रहा है। रक्तदान महादान है और ये समरिटन सोसाइटी के माध्यम से जो रक्तदान का कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही सार्वजनिक हित में है और इस तरह के कार्यक्रम तो उत्प्रेरित होकर के और लोगों को भी करना चाहिए। थैंक यू फादर। खबर समय जगत के लिए राजेंद्र शुक्ला, सतना से राजेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।